आ बाल बच्चा डूबैय, बकरी छकरी माल जाल सबटा भासैय। अपने बाल बच्चा बचाव की बाल बच्चा बचत की अपना बचब, पानी पिए ले मोरे छी। अभी हम मौजूद हैं घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के एक राम टोला में। यहाँ की जो स्थिति आप देख सकते हैं, इस राम टोले में घुटने भर से ऊपर पानी गांव में जमा है। गांव वासी यहाँ पे हाहाकार में है। इन लोगों की बहुत सारी डिमांड है सरकार से जो की अब तक पूरी नहीं हुई है। फिलहाल हम बात करेंगे कितनी समस्या इस पानी में इन लोगों को हो रही है। कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? सर देख ही सकते हैं आप समस्या, आप खुदे पानी में हैं। हर साल यही लीला है, हमारे छत पर से पानी बहता है। सर सरकार को जो है इसका समाधान नहीं करता है, कई बार ऐसा हो चुका है। क्या नाम है? राजा बाबू राम। कुछ महिलाएं यहाँ पर है, कितनी समस्या इस बाढ़ में आप लोगों को झेलनी पड़ती है? देखिए ना, पानी बहते छे, धिया पोता मोरे छे, न खा का न पिए का न कोनो चीज के व्यवस्था सरकार क्या रहल छे, तो हम यार की करब। ने कोनो अथी बालो बच्चा निकलते पानी पीअब से ने अथी पानी पिए के नहीं है व्यवस्था, कत जा कोलियो सबटा डूब गेल छे। देखियो कोलियो कत छे। क्या नाम? सुनीता। यहाँ कुछ और महिलाएं हैं जिनके घर के आगे पूरा पानी है और एक टीलानुमा एक घर है। कितनी समस्या होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है। देखे छे बाबू, पानी में आब के बैठल छी, बड़ दुख काटे छी, हम सब पानी पिए ले मोरे छी। क्या नाम है? पनवा देवी। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली आप लोगों को? कुछ न मिले छे। क्या दिक्कत? क्या आप लोगों को दिक्कत? यह पानी में से हमरा पूरन वास दियो, हम सब निकल जाब आ नहीं निकलब तो तक व्यवस्था अखनी आब के हमरा के करो। और किछ नहीं, हमरा बाल बच्चा डूबैय, बकरी छकरी माल जाल सबटा भासैय। अपने बाल बच्चा बचाव की बाल बच्चा बचत की अपना बचब, पानी पिए ले मोरे छी, खाए ले मोरे छी। द्रौपदी देवी ये यहाँ की महिला है और यहाँ काफी आक्रोशित यहाँ के लोग हैं, क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ की विविधता झेलनी पड़ती है। और इस जगह पे ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्टिंग करके आपको बता रहे हैं कि कितनी समस्या यहाँ के लोगों को है। यहाँ के लोगों को सबसे पहले पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर कई बार सरकार को पत्र लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे कोई पहल नहीं की गई। यहाँ की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है शौचालय को लेकर के, क्योंकि बाढ़ में सब जगह पानी ही पानी होता है। बच्चे को लेकर के चिंता होती है कि इस बाढ़ के पानी में किस जगह पर बच्चे डूब जाए, इसकी चिंता सताती है। मवेशियों को लेकर के चिंता है कि आखिर उसका चारा कहाँ से जुटाएंगे, खुद का जीवन संभाल पाना मुश्किल है, मवेशी का जीवन कैसे संभाल पाएंगे। ये तमाम समस्या यहाँ के लोगों का है। और ग्राउंड जीरो पर आकर के यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का दृश्य, चूंकि आप पीछे देख सकते हैं पूरा गांव के लोग यहाँ पे हैं और अंदर तक, पूरा गांव के अंदर तक पानी जमा है। इस पानी में लोगों का जीवन यापन होता है, किसी प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये तमाम समस्या यहाँ के लोगों का है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान दे और फिर इनकी समस्याओं का निदान करे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी मुहैया उपलब्ध नहीं कराई गई है। लगातार पानी में वृद्धि अभी भी देखी जा रही है।